एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको क्वेश्चन। मैं डॉक्टर कपिल आपको आज एनोरेक्सिया में कौन कौन से रिपोर्ट करवाने हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उनसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एनोरेक्सिया के कारण और ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया है। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आपको टोटल 5 प्रकार के रिपोर्ट करवाने हैं। सबसे पहले नंबर पर है CBC। CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें शरीर में सर्कुलेट हो रहे खून और उनके दूसरे कंपोनेंट के बारे में पता चलेगा। ये रिपोर्ट से हमें शरीर में खून की कमी, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी पता चलेगा। दूसरे नंबर पर है बिलीरुबिन और SGPT। बिलीरुबिन से आपको पीलिया है या नहीं उनके बारे में पता चलेगा, और SGPT से आपको लीवर में सूजन है या नहीं वो पता चलेगा। तीसरे नंबर पर है यूरिया, क्रिएटिनिन और URM। इन तीनों रिपोर्ट से आपको किडनी कैसे काम कर रही है वो पता चलेगा। चौथे नंबर पर है साथी का एक्सरे। इनमें हमें फेफड़ों में होने वाली TB और फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा। पांचवें नंबर पर है पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें हमें लीवर, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, स्प्लीन और इत्यादि के कैंसर के बारे में पता चलेगा। इनमें से सारे रिपोर्ट आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भूख ना लगने के अलावा कौन कौन सी तकलीफ हो रही है उनसे डिसाइड होता है कि आपको इनमें से कौन कौन से रिपोर्ट करवाने हैं। अगर आपको थोड़े दिनों से ही भूख ना लगने की तकलीफ है तो आप सिर्फ CBC और URM करवा लीजिए। और अगर आपको बहुत दिनों से, जैसे कि 2 या 3 महीनों से ये तकलीफ है, तो आप ये सारे रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे। रिपोर्ट से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और ये सारे रिपोर्ट के प्राइस रेट कितने हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए धन्यवाद।